एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मॉर्निंग मेरा बहुत पहले हो गया था। तो अभी बच्चे रेडी हो गए हैं, सो हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए। मैं हूँ अपने दूसरे बालकनी में, जहाँ से उस साइड का पोर्शन नहीं दिखता है जो मेरे बेडरूम के बालकनी से दिखता है। वो तो ये दूसरे रूम का है, यहाँ से लिमिटेड चीज़ें ही दिखती हैं, बस ये लंबाई वाला जो पोर्शन है वो दिखता है। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। वो रेडी हो गए हैं, बस उनको शूज़ पहनाना। तिवारी जी रेडी नहीं हुए हैं, इसीलिए हमें हो रहा है लेट, पर तिवारी जी हो रहे हैं रेडी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको रास्ते में। हे एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं 10 और मैं अब जाके हुई हूँ काम से फ्री, और मैं हूँ अपने बेसमेंट पे। हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख। सारा काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था, तो चलो नीचे से कुछ खा लेते हैं जाके। तो हम जा रहे हैं नीचे खाना खा, मतलब नाश्ता करने, कुछ कुछ भी हल्का सा कुछ खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं घर पे आके खाना बनाऊंगी। तो इसलिए मैं जा रही हूँ, पहले कुछ खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मुझे बहुत वीकनेस जैसा, मतलब वीकनेस हो रहा है। तो इसलिए अभी मैं जाती हूँ और कुछ खाती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या खाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे फिर से। हेलो, तो आ गई हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। ये रोड साइड में एक ठेला लगाता है, कोई है प्रजापति हलवाई लिखा हुआ है उसके ठेला के बैनर पे। तो वहाँ पे हम आए हैं पूरी सब्जी खाने, कोई बेडमी पूरी समथिंग कुछ होता है, वो बहुत टेस्टी बनाता है। तो वहीं पे हम खाने आए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तिवारी जी उसको बोलने गए हैं कि वो हम लोगों को दे ला के नाश्ता, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ है, शायद 2 मिनट लगेगा सुनने में उनको। तो वो गए हैं ऑर्डर देने, और तब तक मैं बैठी हूँ कार में, वो भी आ ही गए हैं बोलकर। तो अभी वो जब तक पहुँचाएगा, तब फिर मैं दिखाती हूँ कि नाश्ते में क्या क्या आता है, और मैं आपको दिखाती हूँ ठेले पे कितने लोग हैं और मतलब क्या है वहाँ का ये देखिए, ये वही ठेला है जिससे हम नाश्ता ऑर्डर करके आए, और ये देखिए 2 पुलिस वाले भी खा रहे हैं, और इतने लोग हैं, कुछ स्टाफ हैं और कुछ गाड़ियाँ लगी हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है इन इसके ठेले से नाश्ता करने के लिए, ये काफ़ी अच्छा नाश्ता सर्व करता है इसीलिए। तो मैं भी आज 2 2.5 महीने बाद आई हूँ खाने के लिए, 2.5 महीने बाद। तो चलिए, मैं नाश्ता में दिखाती हूँ कि क्या क्या आ रहा है। ये देखिए, ये वही ठेला है जिससे हम नाश्ता ऑर्डर करके आए, और ये देखिए 2 पुलिस वाले भी खा रहे हैं, और इतने लोग हैं, कुछ स्टाफ हैं और कुछ गाड़ियाँ लगी हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है इन इसके ठेले से नाश्ता करने के लिए, ये काफ़ी अच्छा नाश्ता सर्व करता है इसीलिए। तो मैं भी आज 2 2.5 महीने बाद आई हूँ खाने के लिए, 2.5 महीने बाद। तो चलिए, मैं नाश्ता में दिखाती हूँ कि क्या क्या आ रहा है। ये देखिए, ये आया है नाश्ता, 5 पूड़ी सब्जी, ये जो क्या कोहड़ा की सब्जी है, और ये आलू की सब्जी, ये सलाद और ये रायता, ये 40 रुपए का है और ये बहुत टेस्टी है। तो चलिए, मैं नाश्ता करने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये है तिवारी जी का नाश्ता, ये है मेरा नाश्ता, वहाँ पुलिस खा रहे हैं। तो तिवारी जी मुझे बता रहे हैं कि उनके वर्दी पे स्टार लगा है, तो वो क्या है, कितना स्टार पे क्या होता है। तो चलिए, अब मैं आपको मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। आ गई हूँ मैं घर नाश्ता करके। अभी मैंने मेरे लिए बनाया है चाय, तिवारी जी नहीं पी रहे, तो मैंने अपने लिए सिर्फ बनाया है। कहीं पे पूजा हो रहा है मेरा, हो गया किसी के यहाँ घंटी बज रही है, मतलब कोई काम करके आज लेट हो गया, इसलिए लेट पूजा हो रहा है। मैंने सही टाइम, मतलब मैंने अपने टाइम पे पूजा कर लिया। मैं 9:30 से 10 के बीच में पूजा अच्छे से कर लेती हूँ। और अभी हम यहाँ नहीं थे ना, तो हम मेरा ना तुलसी का गाछ, केला का पेड़, दोनों, मतलब तुलसी का पेड़ और केला का पेड़ दोनों मर गया। पर तुलसी के पेड़ के उधर साइड में छोटा सा तुलसी का पेड़ निकल गया, और केला का पेड़ मुझे लगाना पड़ेगा, और ये उड़हुल का पेड़ अपने आप लग गया, ये मैंने लगाया नहीं था, पता नहीं अपने आप हो गया। तो आ गई हूँ मैं, और मैंने अपने लिए बनाया है चाय, तिवारी जी नहीं पियेंगे, तो मैंने खुद के लिए सिर्फ बनाया है।
तो मैं चाय पीने जा रही हूँ। खाना मैंने चढ़ा दिया है, मैंने चावल चढ़ाया, मैंने एक साइड दाल चढ़ाया, एक साइड चाय और एक साइड दूध, तीनों चीज़ें मैंने एक साइड चढ़ाई है। जब तक मैं चाय पीऊँगी ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी, फिर मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी या भुजिया, कुछ भी जो जल्दी बन जाए रॉकी के लिए। मतलब अभी तो मैं थोड़ा लेट बनाती, लेकिन उसके लिए मैं बना के जाऊँगी ताकि वो स्कूल से आए तो मतलब जल्दी से खाना खाए, क्योंकि उनको शाम को ट्यूशन जाना होता है, तो वो जल्दी से खा के सोएंगे तभी वो शाम को ट्यूशन जा पाएंगे। इसलिए मैं बनाऊँगी आलू का सब्जी भुजिया, जो भी मुझे जल्दी से लगेगा बन जाने वाला है वो मैं बना दूँगी। और उसके बाद फिर रोटी और फिर कुछ और एक चीज़ बना दूँगी तिवारी जी को खाना है। मुझे लगता है मैं दोपहर में नहीं खाऊँगी, मैं पेट भर गया तो ज़रूरी नहीं है फिर से खाना। और ये है बाहर का ग्रीन ग्रीन। आज बहुत सारे स्कूल में छुट्टी थी मुहर्रम की, शायद आज मुहर्रम है तो आज बहुत सारे स्कूल में छुट्टी है, तो बच्चे खेल रहे हैं नीचे। बस टायो रॉकी के स्कूल में छुट्टी नहीं थी और एक दो स्कूल में छुट्टी नहीं थी, बाकी आज मतलब मोस्टली सारे स्कूल बंद है, क्योंकि स्कूल बस भी नहीं आए थे और मेन गेट पे सारी मम्मी पापा जो रहते हैं वो नहीं थे आज, तो बस चल रहा है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। मैं जा रही हूँ चाय पीने, मेरा चाय ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसलिए पहले मैं पीऊँगी चाय। ये देखिए मैंने चाय और एक रस्क लिया है, सोचा कि चलो एक रस्क खाते हैं शांति से और चाय पीते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। और ये टायो के खिलौने, वो रात को लेके सोता है तो उसके सारे खिलौने यहाँ बेड पे होते हैं। कुछ मैंने हटाया है, कुछ हटाऊंगी, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो अभी चाहिए मुझे 10 मिनट का रेस्ट, तो मैं 10 मिनट चाय पीऊँगी आराम से, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। सो ये मैं कल रात को लेके आई थी सब्जी, इसमें है भिंडी और नींबू, इसमें है टमाटर और वो कुंदरू जो भी बोल दें, ये है लौकी, ये है बैगन जो मैं बोल रही थी कि छूट गया वहाँ, वो नहीं छूटा था एक्चुअली, डिक्की में गिर गया था तिवारी जी से। तो इसमें है धनिया पत्ता, मिर्ची और बैगन, ये सारी चीज़ें अभी मैं धो के डाल दूँगी फ्रिज में। और इसमें है प्याज और कुछ हरी सब्जी जैसे करेला और खक्सी आलू, और इसमें है सेब। आम हमने रात को खा लिया था, आम ख़राब था तो इसलिए हमने रात को ही आधा खाया आधा फेंका, मुझे समझ नहीं आया बरसात में उसने सारे आम ख़राब दे दिए थे। तो अभी बन गया है मेरा दाल दूध चावल सब हो गया, अब मैं जा रही हूँ जल्दी सब्ज़ी बना दूँगी, इसका भुजिया बना दूँगी खक्सी का और आलू का भुजिया बना दूँगी, तो हो जाएगा खाना रेडी। फिर मैं जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए, और जब तक मैं सब्ज़ी भी साफ़ करके सूखने डाल दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको बच्चों को स्कूल लेने के जाते टाइम। ओके तब तक के लिए बाय। तो अभी बज रहे हैं 12:15 बज रहे हैं या 12:25 हो रहा है, हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए। मैं चली बच्चों को लाने के लिए, खाना वाना सब बन गया, मैं आती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि मैंने खाना में क्या क्या बनाया है। और ये तिवारी जी स्माइल कर रहे हैं, बट उनका पैर में चोट है, चोट मतलब दर्द है नहीं है पता ही नहीं चल रहा है, वो कुछ बता ही नहीं रहे, बस कर रहे हैं हाँ सब ठीक है मस्त है एकदम, तो रोज वो स्प्रे करते हैं और फिर मस्त अपने आप को एनर्जी में रखते हैं पैर को कि हाँ ठीक है, इतना भी नहीं करना है, इतना दिन से तो बैठे ही थे अब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ बेसमेंट में और ये भूत वाला लाइट इधर भी और उधर भी, ये दोनों लाइट को मैं भूत वाला लाइट बोलती हूँ। और ये रही हमारी धन्नो, बैठ गए अपने धन्नो पे, अब हम चले झूरी के दोनों बैल को लेने के लिए। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने बच्चों के साथ प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से, ठीक है तब तक के लिए। Chayo, Rocky! क्या हो गई बेटा? स्कूल में क्रॉइड हो गई। Why? Because my friend hurt my hand. Oh, what happened? My friend is eating my hand. Oh, friend आपका hand eat कर गई। और ये देखिए आ गए दोनों, ये है रॉकी और पीछे है टायो, टायो का कोई फ्रेंड उसको हाथ में ऐसे बाइट कर दिया है, तो कह रहा है कि फ्रेंड मेरा हैंड खा लिया,
बोले मैम को नहीं बोले आप? हाँ मैम को बोले, मैम उसको डांटी। हम बोले हो गया ना, अब आप फ्रेंड को मत खेलिएगा उस फ्रेंड के साथ, लेकिन आपको लड़ाई नहीं करना है। तो वही वो निकलते के साथ मुझे ये बता रहा था कि फ्रेंड उसका हैंड खा लिया है आज। फ्रेंड उसका हैंड खा गया इसीलिए। और अभी ये दोनों मांग रहे हैं मेरे से जूस, जो कि मैं नहीं लेके आई क्योंकि इन लोगों को बहुत मतलब रात को तेज खांसी हो रही थी, तो मैंने बोला कि छोड़ दो अभी जूस पीने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ दिन मत पियो, जब खांसी ठीक हो जाएगा तो फिर जूस देंगे। तो अभी हम चले डायरेक्ट घर, मिलती हूँ आपको घर। हाय, हो गया हमारा खाना पीना। मैंने खाने का वीडियो शूट नहीं किया, मैं भूल गई। मैं कुछ हम डिस्कशन कर रहे थे, पीछे बर्तन है वो अभी क्लीन करना बाकी है, बाकी मैंने किचन सारा क्लीन कर दिया। और बच्चे सो गए हैं, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों को, उनको मैंने सुला दिया है। आइज क्लोज, तो चलो मैं आपको मिलती हूँ शाम को फिर से। तो हे एवरीवन, अभी बज रहे हैं शाम के 6:15। मैं बच्चों को आ गई हूँ लेकर के ट्यूशन से, और अभी मैंने उनको दिया है अपना इवनिंग स्नैक्स। मैंने कपड़े सारे यहाँ से उठा लिए और बाकी जो कपड़े डालने थे मशीन में डाल दिए, और बच्चे खा रहे हैं अपना इवनिंग स्नैक्स। और देखिए उनके ट्यूशन के बैग हैं, सो अभी मुझे उनके ट्यूशन का और स्कूल का दोनों का होमवर्क कराना है, तो मैं उनको दोनों का होमवर्क करवाऊंगी। और आज मैंने अपना अलमीरा को समय दिया, अच्छे से अरेंज कर दिया सारी चीज़ें। इसमें कुछ कपड़े वेस्ट हैं जो मुझे निकालने हैं, बट अभी मैं नहीं निकाल रही हूँ। साड़ियाँ सारी आयरन में जाएगी, इसीलिए इतनी भरी भरी लग रही है। इतनी साड़ियाँ दी हैं कॉटन की है और बिना आयरन की, इसीलिए इतनी ज़्यादा फैली हुई है। कुछ कपड़े वेस्ट हैं जो मुझे निकालना है, बट अभी मैं नहीं निकाल रही। नीचे बच्चों का सेशन है तो उस पर भी कपड़े अरेंज कर दी। बीच मेरी कॉस्मेटिक और चूड़ियाँ रखी, इनको मैं कल अरेंज करूँगी क्योंकि आज मुझे एकदम टाइम नहीं मिला। एक डेढ़ घंटा इसी में चल गया, जब तक ये ट्यूशन में थे तब तक मैंने ये किया। तो अभी मैं चली हूँ चाय पीने के लिए। मैंने प्रोटीन बार लिया था, मुझे लगा अच्छा लगेगा खाने में, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा टेस्ट है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको लेने का और मेरा पैसा वेस्ट हो गया। यहाँ कुछ चीज़ें हैं कि एक्चुअली किचन साफ़ किया था ना, तो रैक पूरा खाली है, तो वो चीज़ें हटा के यहाँ पे रखी हुई है वो रखूँगी। कुछ सब्जियाँ हैं, बच्चों के चिप्स हैं, ये मैं ऐसे छुपा के रखती हूँ, अगर वो देख लेंगे ना तो फिर वो एक ही बार में बोलेंगे मुझे सारा खाना। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर। हाय, अभी बजे हैं 8:00 और मैं आई हूँ रॉकी और टायर को लेके गार्डन। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है क्योंकि ट्यूशन से फिर लाके फिर खाना वाना उनको थोड़ा इवनिंग स्नैक्स देने के बाद मैंने दिया बाती किया, फिर मैं भी चाय वाय पी, फिर थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती है। तो फिर और फिर अभी उनको फिर मैं होमवर्क कराने बैठ गई थी स्कूल का ट्यूशन का, तो वो थोड़ा सा भी खेल नहीं पाए थे स्कूल से भी आके, सिर्फ मोबाइल लगे हुए थे। तो अभी उनको गार्डन आना था तो मैं लेके आई हूँ, अभी वो थोड़ी देर खेलेंगे फिर मैं खाना बनाऊँगी। मैंने खाने का प्रिपरेशन कर लिया है, बस मुझे जाके खाना बनाना है, तभी वो पूरा मन भर के खेल लें एक घंटा डेढ़ घंटा 9:30 तक, फिर मैं आराम से जाऊँगी। हाफ एन आवर में खाना बन जाएगा, 10 बजे हम खा लेंगे। तभी मैं उनके साथ हूँ और वो स्लाइड कर रहे हैं, तो मैं बैठी हूँ और तिवारी जी भी आए हैं मेरे साथ। मैं इनको भी लेके आई हूँ, एक्चुअली हम दिन भर घर ही में ही रहते हैं, हम कहीं जाते नहीं हैं, तो इसीलिए ये देखिए। तो मैं इनको भी लेके आई बाहर की, चलिए हम थोड़ा घूम के आते हैं। तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं घर जाती हूँ, तो फिर दिखाती हूँ मैंने क्या डिनर बनाया है। सो ये है हमारा आज का डिनर, आलू पराठा, और ये है बटर इतना सारा तिवारी जी को चाहिए था, और ये है टमाटर और गुड़ की चटनी। तो तिवारी जी खाएंगे ये, मैं खाऊंगी रोटी और ये भुजिया, और ये भुजिया ये दिन का है। मैंने सोचा मैं रोटी खा लेती हूँ, सुबह फिर मैं अपने लिए बना लूँगी आलू पराठा। और ये है रॉकी का आलू पराठा, टाइम अपना खाना खा रहा है। सो इन्जॉय योर डिनर, मैं आपको कल फिर मिलती हूँ एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।